Good morning, good afternoon, and good night whenever you are seeing this video. Myself, Mr. Rohit Chauhan, the biology faculty of the Base Academy situated in Bhadravati district, Chandrapur, Maharashtra. So, here we are with a new video of the Base Academy. That is, we are dealing with a new topic or a new era, or we can say a new sense organ I am discussing today. So, basically in our body, there are 5 types of sense organ. ठीक है, इन जनरल इफ आई वुड से व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सेंस ऑर्गन, सो यू कैन रिमेंबर इट एज TENES. आई डेफिनेटली लो कि टेनिस डू नॉट हैव सच टाइप ऑफ स्पेलिंग, बट यू हैव टू रिमेंबर इन लाइक दिस वे ओनली, बिकॉज देयर आर सम स्ट्रेटजीज, देयर आर सम प्लानिंग, ओके, देयर आर सम you have to memorize, you have to recall, because it is not possible in today's generation that because there are abundant amount of things to remember, correct? So us sabhi cheezon ko ek sath sum up karke yaad rakhne se acha hum kuch particular cheezon ke liye particular tricks bana kar usko yaad kiya ja sakta hai, right? So tennis, what I mean by tennis, so T stands for tongue, E stands for ear, N stands for nose, E stands for eye, and S stands for skin. So there are basically 5 sense organs in our body. So today we will deal with the important sense organ of our body, that is called as ear, right? So we are going to start the topic, that is ear. So before starting the topic ear, I want to discuss a little thing about this, correct? That ear is not only helpful for hearing, ear is also useful for balancing our body, correct? So हमारे रोज के जीवन में कहीं ना कहीं आइस, ईयर, माउथ, मतलब वाणी, बोलना, आँखों से देखना किसी दृश्य को, और कानों से सुनना, ये सब 3-4 चीज़ें जो है हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है. तो यही जीवन की महत्वपूर्ण चीज़ों के हिसाब से मैंने एक इंग्लिश में कोट लिखा है ईयर के लिए. सो माई कोट स्टैंड्स फॉर ब्लाइंडनेस सेपरेट्स पीपल फ्रॉम थिंग्स, मतलब क्या, ब्लाइंडनेस सेपरेट्स पीपल फ्रॉम थिंग्स, मतलब अंधापन लोगों को चीज़ें से दूर कर देता है, पर डीफनेस, और यू कैन रिमेंबर इट एज कि बहरापन इंसान को इंसान से दूर कर देता है. सो अंधापन सिर्फ एक इंसान को चीज़ों से ही अलग कर पाता है, बट आज जो हम सेंस ऑर्गन पढ़ने जा रहे हैं वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन है, दैट इज हियर. ईयर लोगों को लोगों से दूर करता है. सो जो लोगों से लोगों को दूर करने वाला, मतलब क्या सर, कहीं ना कहीं आप किसी की आवाज़ नहीं सुनोगे तो उसकी फीलिंग्स, वो आपके लिए क्या फीलिंग्स रखता है, वो क्या आपके लिए एक्सप्रेस करता है, वो क्या आपके लिए इमेजिनेशन थॉट्स रखता है, एक्सप्रेशन रखता है, वो आप कभी महसूस नहीं कर सकते. और वो महसूस करने के लिए वो बोलेगा तब आप सुनोगे. तो कहीं ना कहीं उसका बोलना और आपका सुनना, मतलब ईयर आपका फंक्शन में आ रहा है. सो कहीं ना कहीं ईयर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंस ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी. सो लेट्स स्टार्ट द इंटरनल द ईयर, ठीक है, राइट. सो बेसिकली द ईयर इज़ ए सेंसरी ऑर्गन ऑफ साउंड, ठीक है. साउंड एनर्जी, आपको पता है साउंड एनर्जी कैन ट्रैवल वेरी लॉन्ग डिस्टेंसेस, और वो साउंड एनर्जी ईयर में एंटर करने के बाद, कहीं ना कहीं ईयर में एंटर करने के बाद एम्पलीफिकेशन ऑफ साउंड होगा, ठीक है. एम्पलीफिकेशन ऑफ साउंड होने के बाद, या ऐसा समझ सकते हो, आप कोई अगर वॉयलिन लेते हो या ड्रम स्टिक्स लेते हो, या ड्रम को आप टैप करोगे या मारोगे उसके ऊपर, तो कहीं ना कहीं जब ड्रम वाइब्रेट करेगा तो आपका छोटा सा मारना लाउड एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है, करेक्ट. मतलब आपने उतने तेज इंटेंसिटी से कभी भी ड्रम पर मारते नहीं हो, बट आपके ड्रम के मारने की इंटेंसिटी कम रहती है, और वो ड्रम जो वाइब्रेट करता है वो लाउड इंटेंसिटी प्रोड्यूस कर बहुत दूर दूर तक साउंड एनर्जी ट्रांसमिट कर सकता है, ठीक है. वैसे ही हमारा ईयर काम करता है. क्या ईयर इज़ द सेंसरी ऑर्गन? सेंसरी ऑर्गन मतलब क्या, जो बाहर के एक्सटर्नल स्टिमुलस को लेकर, एक्सटर्नल स्टिमुलस मतलब बाहर कैसा चेंज हो रहा है, गेटिंग माई पॉइंट. अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर वाइब्रेट कर रहा है, या कोई ऑब्जेक्ट अगर साउंड एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, तो साउंड एनर्जी को लेने वाला हमारा ईयर हो जाएगा, राइट. नेक्स्ट, द सेंस ऑर्गन ऑफ हियरिंग इज सेंसिटिव टू द साउंड स्टिमुलस. व्हाट डू यू मीन बाय स्टिमुलस? नाउ फोकस हियर. स्टिमुलस मीन्स चेंज इन, करेक्ट, स्टिमुलस मीन्स चेंज इन एक्सटर्नल, चेंज इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज कॉल्ड एज स्टिमुलस, ठीक है. तो कोई भी टाइप की एनर्जी का चेंज हो सकता है. अगर मैं साफ भाषा में बोलूँ, इफ ए मॉस्किटो इज सिटिंग ऑन माई हैंड, देन डेफिनेटली मैकेनिकल रिसेप्टर्स विल गेट एक्टिवेटेड. मतलब क्या, मैकेनिकल एनर्जी सेंस हो जाएगी. अगर आपने कोई चीज़ अपने जीप पर रखी या टंग पर रखी, तो यूर टंग रिसेप्टर्स या टेस्ट बर्ड्स विल गेट एक्टिवेटेड. सो कहीं ना कहीं हर 5 सेंस ऑर्गन जो आपने पढ़े हैं टेनिस के नाम से, टंग, आई, नोज, ईयर एंड स्किन, ये 5 सेंस ऑर्गन में अलग अलग रिसेप्टर्स रहते हैं. दैट रिसेप्टर्स विल एक्सेप्ट द
स्टिमुलस, कैसा टाइप ऑफ स्टिमुलस, बाहर कैसा चेंज हो रहा है, नेचर में क्या चेंज हो रहा है, ठीक है, वो चेंज ऑफ एनर्जी को हम एक्सेप्ट करते हैं। तो देखो कहीं ना कहीं हमारा जीवन भर नेचर डिपेंड करता है कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कैसा है। मानकर चलो इफ़ यू आर लिविंग इन ए एनवायरनमेंट विच आर सेल्फिश, तो कहीं ना कहीं आप सेल्फिश की भीड़ में रह रहे हो तो आपका नेचर भी एक ना एक दिन सेल्फिश जैसा लोगों को नज़र आएगा। भले ही आप सेल्फिश ना हो, बट जैसा बोलते हैं ना कि एक मछली पूरे तार आपको गंदा कर देती है, सिमिलरली तो वो मछली वॉज अ स्टिमुलस फॉर अनदर फिशेज टू गेट इन्फेक्टेड, गेटिंग अ पॉइंट। तो हर एक स्टिमुलस बाहर के एनवायरनमेंट से आता है। इस तरीके से हमारे बॉडी में सेंस ऑर्गन के थ्रू बाहर की चीज़ों का रिसेप्टर लेकर या बाहर के एनवायरनमेंट में जो स्टिमुलस चेंज हो रहा है, जो एनवायरनमेंट में चेंज हो रहा है, उसको एक्सेप्ट करके, ठीक है, इंपल्स जनरेट होती है और वो हमारे ब्रेन में भेजा जाती है। तो कहीं ना कहीं इफ़ यू हैव रिमेंबर्ड और इफ़ यू हैव लर्न इन योर 10th स्टैंडर्ड दैट ब्रेन इज द सेंट्रल मोस्ट ऑर्गन और वेरी प्रीशियस और वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ आर बॉडी, जो बाहर के 5 टाइप ऑफ सेंस ऑर्गन के अलग अलग रिसेप्टर्स ब्रेन में एक्सेप्ट करके उसको इंटरप्रिटेशन करके फाइनली एक मोटर इन्फॉर्मेशन निकालता है। कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप माउस, आप कंप्यूटर के पास बैठे हो और आपने राइट क्लिक करके कोई पर्टिकुलर फाइल को डिलीट किया, तो आपने डिलीट क्लिक किया, वो आपका इनपुट हुआ, आउटपुट क्या निकलेगा, आउटपुट ये नहीं निकलेगा क्योंकि वो फाइल डिलीट हो जाएगी। गेटिंग माई पॉइंट? जैसे कि मम्मी ने आपको खाना दिया, मम्मी का आपका इनपुट था, आपका आउटपुट क्या हो जाएगा, आप उसको खाना खा लोगे। तो कहीं ना कहीं इनपुट आउटपुट मैकेनिज्म चलता है। सेंस ऑर्गन का काम क्या है? सेंस ऑर्गन का काम, बॉडी में जो सेंस ऑर्गन है उसका, सेंस ऑर्गन का काम है सिर्फ इनपुट लेना, ठीक है, आउटपुट सेंस ऑर्गन नहीं दे पाते हैं, ठीक है। व्हाट डू आई मीन, एक एक एग्जांपल लेते हैं। आए फोटो रिसेप्टर्स या एनर्जी को अंदर लेगा, करेक्ट, उसको सेंसेशन करके न्यूरॉन्स के थ्रू इंपल्स जनरेट करके ब्रेन में भेज देगा। दैट इज वो ब्रेन है जो सोचकर आउटपुट देगा कि हाँ अच्छी चीज खड़ी है। सपोज अब जनरल बात बोल रहा हूँ, दिस इज अ फैक्ट कि बॉयज़ गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द गर्ल्स एंड गर्ल्स गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द बॉयज़, अपोजिट जेंडर एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, करेक्ट, राइट। अब फॉर एग्जांपल इसको एक जोक के टाइप पर लीजिए। सपोज करो कहीं से बहुत तेजी से तूफान आ रहा है, डस्ट आ रहा है, करेक्ट, आइज देखेगी कि डस्ट आ रहा है, राइट, अब वो क्या बोलेगा, डस्ट आ रहा है, इट इज़ डेंजरस फॉर योर आइज, प्लीज़ क्लोज द आइज। तो देखो अब इसको अच्छे से, जब लाइट एनर्जी आपके आइज के थ्रू एंटर्ड की तो वो आइज नहीं थी जो एक्चुअली क्लोज हो पाई, पहले ब्रेन की तरफ इन्फॉर्मेशन जाएगी, ब्रेन इसको इंटरप्रेट करेगा और फाइनली आइज क्लोज हो जाएगी। तो ऐसे ही हमारा ईयर और ईयर ऑपरेट करता है, करेक्ट। एवरी स्ट्रक्चर ऑफ द ईयर हैज़ देयर ओन फंक्शंस एंड आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द ईयर। एक ईयर में 3 पार्ट आते हैं बेसिकली, आपका एक्सटर्नल ईयर, ठीक है, यहाँ से, यहाँ से यहाँ तक लेकर आपका रहेगा एक्सटर्नल ईयर, राइट, बीच का पार्ट आपका रहेगा मिडल ईयर और सबसे लास्ट का आपका रहेगा इंटरनल ईयर। जो आपके घर में सबसे ज़्यादा चीज़ इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली आप उसको संभाल कर अपने एक इंपॉर्टेंट या प्रीशियस जगह पर रखते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल यू हैव गट ए डायमंड, सो बेसिकली आप उसको कोई संदूक में ऐसे पेटी में बंद करके एकदम अंदर रखोगे, उसको बाहर नहीं रखोगे, बिकॉज उसके चांसेस ज़्यादा है कि वो स्टोलन हो जाए, कोई थीफ आके उसको लेके चले जाए। सो कहीं ना कहीं जो प्रीशियस चीज़ें हैं आपके घर में उसको आप हमेशा अंदर तरफ रखते हो। ऐसे ही ईयर के 3 पार्ट आते हैं, एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर और इंटरनल ईयर। तो आप यहाँ से लॉजिक लगा सकते हो कि जो हियरिंग के लिए, ठीक है, या जो सबसे प्रीशियस या सबसे इंपॉर्टेंट ईयर का पार्ट है वो आपका कौन सा ईयर हो जाएगा, दैट इज सबसे अंदर वाला इंटरनल ईयर, ठीक है। तो 3 टाइप्स ऑफ ईयर आते हैं हमारे पास, एक्सटर्नल, मिडल और इनर ईयर। सो लेट्स फोकस ऑन आउटर ईयर और एक्सटर्नल ईयर, ठीक है, राइट। सो द ह्यूमन ईयर इज डिवाइडेड इंटू 3 मेन पार्ट्स, आउटर ईयर, योर मिडल ईयर एंड इनर ईयर, करेक्ट, राइट। सो स्ट्रक्चर ऑफ ईयर, सो बेसिकली एक ईयर में होता क्या है एक्सटर्नली, आप देखो। सो ईयर में देर इज ए कॉइल लाइक स्ट्रक्चर, आप ऐसे एक सेमी सर्कुलर एरिया रहता है, दैट इज कॉल्ड एज स्पिना, और नीचे का लोब रहता है कॉल्ड एज ईयर लोब। सो अब यहाँ से फोकस करो, एकेडमिक्स और बुक सेज दैट ईयर पिना इज वेस्टिजियल और इट इज़ नॉन फंक्शनल, उसका कुछ ऐसा फंक्शन नहीं है। बट मैं इसका एक आपको लॉजिकली फंक्शन बताता हूँ कि कहीं ना कहीं when we were small, ठीक है, when we were small, अभी भी आप स्मॉल ही हैं, हम भी स्मॉल ही हैं, अपना बचपन किसी को भूलना नहीं चाहिए, बट when we were small at that time we used to play with our friends, कैसे हम आवाज़ को कॉन्सेंट्रेट करने के लिए हाथ रखते थे और ज़ोर से कुर्र ऐसे आवाज़ निकालते थे, करेक्ट। तो कहीं ना कहीं ये हमारा काम क्या कर रहा है, साउंड एनर्जी को दूर दूर जाने से रोक रहा है ये हैंड, ताकि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ज़्यादा जाए, मतलब ज़्यादा उसको परेशानी हो। अगर वो सो रहा है, हम जोर से चलाएंगे तो जाग जाएगा, क्या हो रहा है,
करेक्ट। तो ये हमारा जो हैंड का पास लाना है, ये एक्चुअली कर क्या रहा है, ये आवाज़ को कॉन्सेंट्रेट कर रहा है। आप बोल सकते हो छोटी सी निकली हुई आवाज़ को 10 बार एम्पलीफाई कर रहा है ताकि आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा एयर में एंटर हो सके। सो यहाँ पर भी हमारा ये आपका जनरल ईयर, ठीक है, और ये उसका डायग्रामेटिक व्यू। सो हम देखते हैं डायग्रामेटिक व्यू में, ये आपका ईयर, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ठीक है, अच्छे से देखना, ये आपका हो जाएगा पीना, करेक्ट, और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ईयर लोब। तो पीना का क्या काम है एक्चुअली, फॉर एग्जांपल सपोज करो ये एक कोई साउंड है और ये साउंड एनर्जी बाहर निकल रही है, ठीक है। अब ये साउंड एनर्जी कहाँ एंटर होगी, आपके ईयर में एंटर होगी। व्हेन द साउंड एनर्जी विल एंटर इनसाइड द ईयर, तब ये पिना उसको कॉन्सेंट्रेट करके, एक जगह पर कॉन्सेंट्रेट करके साउंड का एम्पलीफिकेशन कई बार करता है। सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पिना, पिना कलेक्ट्स द साउंड, पिना ट्रांसफर द साउंड इनसाइड द एक्सटर्नल ईयर। एक्सटर्नल ईयर से वो कहाँ ट्रांसपोर्ट करता है एक्चुअली, एक्सटर्नल ईयर से वो ट्रांसपोर्ट करेगा मिडल ईयर में, करेक्ट। मिडल ईयर किसको ट्रांसमिट करेगा आगे साउंड एनर्जी, इंटरनल ईयर को। सो कहीं ना कहीं पिना कलेक्ट्स द साउंड एंड ट्रांसमिट्स टू द मिडल ईयर, राइट। नाउ what is the function of ear lobe, as I said pina is vestigial, ear lobe is also considered as vestigial or it is non functional, except females normally use earrings, correct। so earrings lagane ke liye, acha dikhne ke liye ear lobe ka istemal hota hai, but as such uska hearing mein kuch proper function nahi hai, important nahi hai wo, right। so pina and ear lobe class, to hum generalization mein padhenge ekdam। so pina and ear lobe are the two parts of the external ear, and the important parts which is present in the external ear is what। to dekho yahan par ek long si aati hai canal, theek hai। ab जब भी आपको आवाज़ नहीं आ रही है तो आप क्या बोलते हो उस फ्रंट वाले पर्सन को, प्लीज़ इंक्रीज योर ऑडियो, करेक्ट, आपका ऑडियो बढ़ाओ। तो ये एक लंबा सा कैनाल है, कौन सी ईयर में कैनाल है, ये एक्सटर्नल ईयर में कैनाल है। किसका कैनाल है, कैनाल मतलब रास्ता है, क्या जाने के लिए रास्ता है, ऑडियो एनर्जी साउंड एनर्जी जाने के लिए रास्ता है। तो मैं इसका एक नाम लिखता हूँ एक्सटर्नल ईयर में, ठीक है। एक्सटर्नल ईयर में एक क्या प्रेजेंट है, एक ऑडिटरी, एक्सटर्नल ईयर में एक ऑडिटरी कैनाल प्रेजेंट है, तो उसको यही कहा जाता है ई ए सी, मतलब क्या, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, ठीक है। सो दिस आर, मैं लिखता हूँ 1, 2 and 3, दिस आर द 3 पार्ट्स ऑफ द एक्सटर्नल ईयर, दैट इज पिना विच कलेक्ट्स द साउंड एंड ट्रांसमिट द साउंड इनसाइड द ईयर, करेक्ट। द सेकेंड इज ईयर लोब विच इज नॉर्मली नॉन फंक्शनल, उसका कोई एस एच फंक्शन नहीं है। एंड द थर्ड पार्ट इज एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, एक्सटर्नल मीन्स एक्सटर्नल ईयर में प्रेजेंट है, ऑडिटरी मतलब साउंड एनर्जी से डील करता है, और कैनाल मतलब एक वे है, एक रास्ता है जिसकी साउंड एनर्जी आगे ट्रांसमिट होगी। नाउ आपने बचपन से एक चीज़ सुनी होगी, यू नेवर हैव हर्ड कि कान दुख रहा है, ठीक है, शायद ये सुना होगा आग दुख रही है, शायद ये सुना होगा बोलते बोलते मुँह दिख रहा है या जीभ दुख रही है, ज़्यादा खाना खा लिया, कुछ भी, एनीथिंग, बट यू हैव नेवर हर्ड कि कान दुख रहा है आज, उसका एक फंक्शन है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कोई चीज़ ना दुखने का मतलब है, देखो अगर कोई चीज़ दुख रही है कहीं कहीं ना कहीं, मतलब वो अगर पेन हो रहा है, दुखना मतलब पेन, मतलब पेन हो रहा है मतलब कुछ ना कुछ उसको हार्म हुआ होगा तभी तो पेन हो रहा होगा, ऐसे तो हमको दुख नहीं होता है। जब हमारे साथ कोई अनहोनी घट जाती है तभी हमको अपने अंदर से पेन होता है कि हाँ मेरे साथ ये नहीं होना चाहिए था, करेक्ट। सो वैसे ही आइज़ में आपकी आइज़ दुखने लगी, व्हाट डू यू एक्चुअली मीन, आप दिन भर घूम रहे हो, डस्ट के कंपैरिजन में आ रहे हो, डस्ट मतलब एनवायरनमेंट का जितना भी डस्ट है आपके आंखों में घुस रहा है तो वो आपको पेन कर रहा है, करेक्ट, क्योंकि डस्ट पार्टिकल्स ट्रैप हो रहे हैं, वो प्रॉपर विजन के लिए हेल्पफुल नहीं हो रहा है तो आपको पेन होगा। सो कहीं ना कहीं हमको पेन होता है मतलब ऑर्गन फंक्शन नहीं कर रहा है, मतलब हार्म हुआ है उसको। आपने ईयर कभी नहीं सुना होगा, राइट, यू नेवर हैव हर्ड कि एक ईयर पेन कर रहा है, उसका एक रीज़न है, ठीक है, राइट। सो देर हैज़ गॉट ए लॉजिक कि यहाँ पर बाहर के जो भी मान लो इन्फेक्शंस, बैक्टीरिया, पैथोजेंस, प्रोटोजोन्स, कुछ भी, एनीथिंग, स्मॉल इंसेक्ट्स, जो भी बाहर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से आपके एक्सटर्नल ईयर में आते हैं, देर इज़ ए वैक्स सिक्रीटिंग ग्लैंड, ठीक है, यहाँ पर एक वैक्स सिक्रीटिंग ग्लैंड रहता है जो धीरे धीरे वैक्स सिक्रीट करता है। ये वो वैक्स नहीं है जो वुमेन्स यूज़ करती है अपने हेयर रिमूव करने के लिए, नो, लाइक दैट, इट इज़ ए मिस वैक्स ग्लैंड, मतलब वो एक जेलेटिनस पार्ट है जो इसमें सिक्रीट होकर कहीं ना कहीं बाहर के बैक्टीरिया और इन्फेक्शंस को ट्रैप कर लेता है, करेक्ट। उसको ट्रैप करके क्या कर लेगा, वो उसको ट्रैप करके वो प्रिवेंट करेगा ताकि वो अंदर एंटर ना हो सके, ठीक है। तो वैक्स सिक्रीट करता है, वैक्स सिक्रीटिंग एक ग्लैंड है तो उसका नाम हमें दिया जाता है, देर इज ए वैक्स ग्लैंड,
ठीक है। तो वैक्स ग्लैंड आपको कौन से जगह मिलेगा, फोकस करना है यहाँ पर, ठीक है। द वैक्स ग्लैंड विच इज प्रेजेंट इन अवर एक्सटर्नल ईयर, राइट, वैक्स ग्लैंड विच इज प्रेजेंट इन अवर एक्सटर्नल ईयर, ये आपका कुछ यहाँ रहेगा वैक्स ग्लैंड सपोज करके चलो, ठीक है, मानकर चलो। तो ये यहाँ पर क्या सीक्रेट करेगा, वैक्स सीक्रेट करेगा। वो वैक्स किसको ट्रैप कर लेगा, कहीं ना कहीं वो वैक्स बाहर के इन बैक्टीरिया इन्फेक्शन पैथोजन को ट्रैप करके वहाँ बचाए रहेगा, जिसको आप कहते हो कान का कचरा। तो एक लॉजिक देखो यहाँ पर, वेन एवर द, ठीक है, एक चीज़ पहले फोकस करो कि आपका ऑडिटरी कैनाल, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल का नेचर स्ट्रेट नहीं है, वो ऑब्लिक है। मतलब क्या, यहाँ से जाकर सपोज करो मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, ये आपका पिना हो गया, ये आपका एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनल हो गया, आगे जाकर वो ऐसा ऑब्लिक हो जाता है और ये आपके यहाँ पर ईयर ड्रम आएगा कहीं, ठीक है। ऑब्लिक लेचर मतलब क्या, स्ट्रेट जाकर वो आगे बेंड हो जाता है, ठीक है। सो कहीं ना कहीं यहाँ पर वैक्स ग्लैंड, यहाँ पर भी वैक्स ग्लैंड, ये वैक्स यहाँ पर सीक्रेट होता है और ये वैक्स यहाँ, यहाँ पूरे जितने भी बाहर के पार्टिकल्स ट्रैप हो जाता है, अंदर जाने से प्रिवेंट हो जाता है, अंदर जा ही नहीं पाता है। सो जब भी कोई पर्सन, अब नेचर ने तो हमारा हिसाब से सोच के नहीं बनाया होगा, बट जब भी कोई पर्सन ईयर के अंदर कोई लकड़ी वगैरह कुछ भी इंसर्ट करता है फॉर रिमूविंग द डस्ट पार्टिकल्स और रिमूविंग द वैक्सी सब्सटेंस फ्रॉम द ईयर, वो आपके टिम्पैनम को ज़्यादा हर्ट नहीं करेगा। सो कोई ज़्यादा विचित्र पर्सन है, कोई ज़्यादा नॉटी पर्सन है, तो कहीं ना कहीं वो एकदम एकदम अंदर तक अगर स्टिक वगैरह इंसर्ट करता है तो शायद उसको हार्म हो सकता है, बट नॉर्मली कोई भी पर्सन यहाँ तक अगर स्टिक इंसर्ट करता है, करेक्ट, तो यहाँ से अपना वैक्सी सब्सटेंस अगर रिमूव करता है तो आसानी से बाहर आ जाएगा, ठीक है। और एकदम अंदर वो इंसर्ट, मतलब नॉर्मली इंसर्ट करने से, आई मीन टू से नॉर्मली स्टिक अंदर इंसर्ट करने से आपका टिम्पैनम या अंदर का ईयर ड्रम, ठीक है, कान का पर्दा जो कहते हैं, वो रप्चर नहीं होता है, वो फटता नहीं है। उसका रीज़न क्या है, नेचर ने उसको स्ट्रेट नहीं रखा है, नेचर ने आगे जाकर उसको ऑब्लिक कर दिया है। मतलब मान के चलो ये आपकी आपकी माचिस की लकड़ी है, जो भी आप इंसर्ट करते हो नॉर्मली वो इंसर्ट नहीं करना चाहिए, उसका भी मैं रीज़न आपको बताऊंगा, करेक्ट। तो जो स्टिक अंदर इंसर्ट कर रही है, यहाँ पर सपोज जो भी वैक्स और साथ में डस्ट पार्टिकल से पैथोजन इन्फेक्शन ट्रैप किया हुआ है यहाँ, सो यहाँ से आपकी मान लो आपने इंसर्ट किया लकड़ी यहाँ तक, करेक्ट। सो इसका ऑब्लिक नेचर है, अभी यहाँ पर डायग्रामेटिक व्यू में स्ट्रेट विजिबल नहीं हो रहा है, बट इसका ऑब्लिक नेचर है, आपकी स्टिक यहीं तक आती है, टिम्पैनम को हर्ट नहीं कर पाती है, गेटिंग माय पॉइंट। सो व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनल और ईएसी इज ऑब्लिक इन नेचर, इट हैव ए ग्लैंड कॉल्ड एज वैक्स ग्लैंड। What does, what is the function of wax gland? Wax gland secrete wax. What is the function of wax? Wax traps bacteria infection pathogen to prevent all the external substances or small insect to enter inside the ear or the middle ear. Right? So this is basically your external ear. Right? So I recall pinna, earlobe and external auditory canal. मतलब ये आपका pinna, ये earlobe और auditory canal. उसमें क्या रहेगा सर? उसमें रहेगा wax gland. वो क्या secrete करता है? वो secrete करता है wax. करेक्ट। नाउ वी मूव ऑन टू मिडल ईयर, करेक्ट। मूविंग ऑन टू मिडल ईयर, करेक्ट। सो देख लीजिए आप, आउटर ईयर में आपका क्या पार्ट आ जाता है, आउटर ईयर में आ जाएगा आपका पिना एंड ऑडिटरी कैनाल, यू रिमेंबर इट एज ईएसी, राइट, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। सो लेट्स फोकस, is also auricle or external ear, the flap like organ on or the either side, right, the flap like organ on either side of the head, correct, right, made of cartilage and skin, shaped like funnel shape jaisa hai, and direct sounds into the ear canal, matlab ear canal ke ya auditory canal ke andar wo sound energy transmit karta hai। ऑडिटरी कैनाल देखो, ऑडिटरी कैनाल इज ए टनल और पासवे दैट बिगिंस एट द एक्सटर्नल ईयर एंड एक्सटेंड इनसाइड द ईयर ड्रम। मतलब हम कहाँ तक आए थे, ये आपका पिना, ये ऑडिटरी कैनाल, और यहाँ तक, मतलब ये यहाँ तक पूरा पार्ट आपका क्या है, लंबा सा ऑडिटरी कैनाल, राइट। सो ए लॉन्ग ट्यूब लाइन विथ हेयर डायरेक्ट्स द साउंड टू द ईयर ड्रम। सो नाउ फोकस, ये रहा, देखो डायग्राम को विजिबल करो अच्छे से, दिस आर द वैक्सी सब्सटेंस, ये जो आपको दिख रहा है स्मॉल, कौन से एरिया में दिख रहा है आपको, ये आपको एक्सटर्नल ईयर के ऑडिटरी कैनाल में आपको वैक्स सीक्रेटिंग ग्लैंड, जो किसको ट्रैप किया हुआ है, बाहर के डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप किया हुआ है, राइट। सो दिस इज योर नॉर्मल जनरलाइज फंक्शन। तो देखो हमने ईयर को कैसे किया है, एक कट सेक्शन लिया है और वो कट सेक्शन को हम विजिबल कर रहे हैं कैसा दिखता है, राइट। सो नाउ वी मूव ऑन टू मिडल ईयर, करेक्ट। सो मिडल ईयर का बेसिकली फंक्शन क्या है, देखो एक्सटर्नल ईयर एंड मिडल ईयर, करेक्ट, एक्सटर्नल ईयर एंड मिडल ईयर। सो
दिस इज द मिडल ईयर. तो बेसिकली एक्सटर्नल ईयर और मिडल ईयर का फंक्शन क्या है, ये साउंड एनर्जी कलेक्ट कर अंदर ट्रांसमिट करता है. करेक्ट. सो मिडल ईयर को देखते हैं. मिडल ईयर में रहते हैं तीन ऑसिकल्स. व्हाट डू यू मीन बाय ऑसिकल्स? देखो, ऑसिकल द वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम ऑसियन, और ऑसियन का मतलब होता है बोन. मतलब क्या, ईयर के अंदर, आपके ईयर के अंदर बोनी स्ट्रक्चर है. वो क्या करता है, वो कहीं ना कहीं साउंड एनर्जी को आगे ट्रांसमिट करता है. कौन? वो बोनी स्ट्रक्चर. राइट. सो कलेक्शन ऑफ द साउंड एक्सटर्नल ईयर ने किया, ऑडिटरी कैनाल के थ्रू अंदर ट्रांसमिट किया. नाउ आपका सबसे पहले जो आता है वो है ईयर ड्रम. करेक्ट. तो कैनाल, आपका ड्रम, अब ये आपका पूरा है मिडल ईयर. ठीक है. सो ये आपका इंटरनल एक्सटर्नल ईयर. राइट. और ये आपका हो जाएगा मिडल ईयर. अब देखते हैं अच्छे से फोकस करके मिडल ईयर को. में रहते हैं तीन बोन्स. ठीक है, तीन बोन्स रहते हैं. वो बोन्स के थ्रू जो साउंड एनर्जी है आगे ट्रांसमिट होती है. सो देखिए, थ्री ईयर ऑसिकल्स उसे कहते हैं. ऑसियन द वर्ड इज डिराइव फ्रॉम बोन. सो द थ्री ईयर बोन्स इज, फर्स्ट इज मैलस, सेकेंड इज इनकस, एंड द थर्ड बोन इज कॉल्ड एज स्टेप्स. ठीक है, मैलस, इनकस एंड स्टेप्स आर द थ्री बोन्स. राइट. सो आप मेलस और इनकस और स्टेप्स, ये तीन बोन के नाम कैसे लर्न कर सकते हो? यू कैन सिंपल रिमेंबर इट एज मिस. मिस कोई लड़के के लिए वर्ड यूटिलाइज होता है. सो मिस यू रिमेंबर कि मैलस, इनकस और स्टेप्स, ये थ्री ईयर के, कौन से ईयर के? मिडल ईयर के. देखो आप ऐसे लर्न करो, यम से आया मिस, यम से आया मिडल ईयर. करेक्ट. यम से आपका क्या आया? मिस आया. मतलब मिडल में रहती है मिस, ऐसा पकड़ो. करेक्ट. सो मिडल ईयर में आपका क्या रहता है? मिस रहता है. मिस रहता है मतलब क्या? मैलस रहता है, इनकस रहता है और स्टेप्स रहता है. सो दिस इज, आपको अगर विजिबल होगा, ये मैलस है, ये आपका लिखा है इनकस है, और ये स्टेप्स है. नाउ बेस्ड अपॉन द शेप्स ऑफ द बोन, कि मैलस कैसा दिखता है सर, इनकस कैसा दिखता है, स्टेप्स कैसा दिखता है, तो मेलस, इनकस और स्टेप्स के हिसाब से उनके शेप्स के भी नाम दे दिए हैं. ठीक है. सो देखो, मैलस एक दिखता है आपके हैमर जैसा. हैमर आपने देखा है, हथौड़ा. तो मेलस जो आपको दिखता है वो कैसा दिखता है? हथौड़ा जैसा. तो मैं इसको लिखता हूँ हैमर. हैमर लाइक स्ट्रक्चर किसका है आपका? हैमर लाइक स्ट्रक्चर है आपका मेलस का. राइट. सेकंड है आपका एनविल. एनविल कैसा दिखता है? तो आप मोची के पास जब भी आप अपने चप्पल या जूते या शूज जो भी आप सिलवाने जाते हो, तो आप उसके पास एक लोहे का स्ट्रक्चर देखते हो. ठीक है, ऐसा कुछ दिखता होगा आपको. तो लोहे के स्ट्रक्चर में वो क्या करता है? शूज इंसर्ट करके उसको टैप करके, ठीक है, शू अपना इंसर्ट करेगा उसके अंदर, और जो भी उसको खिला या जो भी उसको मारना होगा उस पर, वो अपना बराबर उस पर फंक्शन प्ले कर लेगा. ठीक है, वो उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट है, आप ऐसा बोल सकते हो. सो कहीं ना कहीं पहला हमारा क्या था? मेलस, फर्स्ट बोन. मतलब देखो, आप एक्सटर्नल ईयर से मिडिल ईयर में एंटर करो, तो सबसे पहले आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा ईयर ड्रम. ठीक है, जिसको हम अच्छे से पढ़ेंगे. तो ईयर ड्रम वाइब्रेट करता है. ईयर ड्रम वाइब्रेट करने के बाद, जिसे टिम्पैनम भी कहते हैं, तो ईयर ड्रम वाइब्रेट करने के बाद और टिम्पैनम वाइब्रेट करने के बाद साउंड एनर्जी ट्रांसमिट करता है आगे के बोन्स को. किसको सर? पहले मेलस को, फिर इनकस को, फिर स्टेप्स को. मतलब मिस के थ्रू साउंड एनर्जी आगे ट्रांसमिट करेगा. मेलस कैसा दिखता है सर? मेलस हैमर जैसा दिखता है. राइट. इनकस कैसा दिखता है सर? ये है आपका इनकस बोन, और जो इसका स्ट्रक्चर जो मोची के पास रहता है चप्पल जूते सिलने के लिए, उसे कहा जाता है एनविल. ठीक है, तो इनकस का शेप कैसा है? एनविल जैसा. और लास्ट इज घोड़े के ऊपर बैठने के लिए जो आप इस्तेमाल कर सकते हो. देख रहा अगर यहाँ दिख रहा होगा आपको एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसके ऊपर हॉर्स ऊपर चढ़ने के लिए या हॉर्स के ऊपर बैठने के लिए एक चीज़ इस्तेमाल की जाती है, जो स्टील का रॉड जैसा रहता है ऐसा. ठीक है, करेक्ट. उसके ऊपर पैर रख के आप बैठते हो. दैट इज कॉल्ड एज STIRRUP, स्टीरअप. ठीक है. सो मैलस कैसा है आपका? हैमर जैसा. सेकंड बोन इनकस कैसा है आपका? एनविल जैसा. मिस याद किया था हमने, मेलस, इनकस, स्टेप्स. तो मेलस फर्स्ट, इनकस सेकंड, और स्टेप्स आपका कैसा है? थर्ड बोन है. तो स्टेप्स का शेप कैसा है? जो घोड़े के ऊपर चढ़ने के लिए पैर रखते हैं उसके जैसा स्टेप शेप है. तो स्टेप्स आपका दिखता है स्टीरअप जैसा. मैं एक चीज़ आपको रिकॉल कर रहा हूँ कि आप इसको ऐसे लर्न करिए. कैसे सर? MIS, मिस, HAS, मिस हैज. मतलब क्या? कोई लड़की है, उसके पास कुछ है. ठीक है, एक लड़की है. लड़की के लिए, लड़कों के लिए मिस्टर यूज़ किया जाता है, लड़कियों के लिए मिस यूज़ किया जाता है. आई डो नॉट मीन लड़कियों का मिस यूज़ किया जाता है, आई मीन टू से लड़कियों के लिए मिस यूज़ किया जाता है. गेटिंग माई पॉइंट? सो मिस इज़ यूज फॉर गर्ल्स. करेक्ट. सो मिस हैज़, एक गर्ल के पास कुछ है.
कल के पास तो बहुत सारी कैपेसिटी रहती है कुछ भी करने की देश में, ठीक है, तो आजकल लड़के ही आगे बैठ रही है, बट गर्ल्स हैव समथिंग पावर टू डू, ऐसा याद कर लो. सो मिस और ए गर्ल हैज समथिंग टू डू इन हर लाइफ, उसके पास विजन है, ऐसा सपोज करो, ठीक है. सो यम से आज का क्या है, यम से आपका क्या आएगा, यम से आ जाएगा आपका मेलस, ठीक है. तो ये पूरा रब कर रहा हूँ, एक बार अच्छे से देखना. सो एम से आपका क्या आएगा, एम से आएगा आपका ये हैमर जैसा, आप अगर आपको दिख रहा होगा बाजू में स्ट्रक्चर भी है, तो हैमर जैसा जो दिखता है वो आपका मेलस है, करेक्ट. तो देखो एम से ये मतलब मेलस कैसा है, मेलस है हैमर जैसा, लर्न हो गया, मेलस है किसके जैसा, हैमर जैसा. रब करते हैं आगे देखते हैं, करेक्ट. तो मेलस इज लाइक हैमर, ठीक है, हथौड़े जैसा है. नेक्स्ट आय से आपका क्या है, आय से आ जाएगा आपका इनकस, करेक्ट. इनकस कैसा है, इनकस इज लाइक एनविल शेप. एनविल मतलब कैसा, एनविल ये जो मूछी के पास रहता है. सो इनकस कैसा दिखता है, इनकस दिखता है एनविल जैसा, यहाँ लिखा हुआ है इनकस, ब्रैकेट में लिखा है एनविल. तो एक इनकस बोन या सेकंड बोन, ठीक है, फर्स्ट फर्स्ट, सेकंड बोन सेकंड शेप, थर्ड बोन थर्ड शेप, ठीक है. तो इनकस कैसा, एनविल जैसा, राइट. अब लास्ट वाला देखिए, ठीक है, मिस मिस हैज, तो मेलस इज लाइक हैमर, इनकस इनकस इज लाइक एनविल, एंड स्टेप्स बोन, स्टेप्स इज लाइक कैसा, स्टिरअप शेप. स्टिरअप मतलब कैसा, द थिंग विच इज यूज फॉर सिटिंग ऑन ए हॉर्स, दैट इज कॉल्ड अ स्टिरअप शेप. और रिमेंबर स्टार मार्क कर रहा हूँ, द शॉर्टेस्ट बोन ऑफ द बॉडी, अपने बॉडी के सबसे छोटी हड्डी, सबसे छोटी बोन इज प्रेजेंट इन अवर ईयर, एंड दैट बोन इज कॉल्ड एज स्टेप्स. देर इज ए क्वाइट लॉजिक, वेरी क्वाइट लॉजिक हियर, दैट एस स्टैंड्स फॉर स्मॉल, करेक्ट, और एस स्टैंड्स फॉर ए बोन कॉल्ड एज स्टेप्स. आई नो यू आर गेटिंग इट. सो एस स्टैंड्स फॉर स्मॉल एंड एस स्टैंड्स फॉर स्टेप्स बोन. तो द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द बॉडी इज यूर स्टेप्स बोन, विच इज प्रेजेंट इन विच पार्ट सर, विच इज प्रेजेंट इन मिडल पार्ट. कैसे याद करें सर, मिस हैज एम आया, एम आया मतलब क्या, मिडल ईयर आया, मिडल ईयर में मिस हैज है, मतलब एक बीच में मिस हैज, ऐसे पकड़ो. सो मिडल ईयर हैज मिस हैज, मतलब मेलस इज लाइक हैमर, इनकस इज लाइक एनविल, एंड स्टेप्स विच इज द शॉर्टेस्ट बोन ऑफ अवर बॉडी इज लाइक स्टिरअप शेप, राइट. सो नाउ वन इंपॉर्टेंट फंक्शन मिडल ईयर में, ये तीन ईयर के बोन्स के अलावा और एक फंक्शन है क्या, कि मिडल ईयर से, राइट, सो दिस आर द थ्री बोन्स. आप इसको खुद के हिसाब से अभी लेबल कर सकते हो. देखो इसमें से कौन सा आपको ऐसा लग रहा है जो हैमर जैसा है, कहीं ना कहीं. सो ये है मेलस, जो कैसा लगता है आपको, एक हैमर जैसा लगता है. MH महाराष्ट्र, ऐसे भी लर्न कर सकते हो. देर आर लॉट मेनी ट्रिक्स टू रिमेंबर बायोलॉजी. बायोलॉजी इज वेरी सिंपल, जस्ट यू हैव टू ब्रीथ बायोलॉजी, यू हैव टू लर्न बायोलॉजी, यू हैव टू लव बायोलॉजी, एवरीथिंग. अगर आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ते हो उसको प्यार करोगे तो आपको डेफिनेटली ट्रिक्स खुद ब खुद डेवलप होती जाएगी. तो आपका मेलस कैसा दिखता है, एक हैमर जैसा, ये हैमर जैसा दिख रहा है सर मुझे. नेक्स्ट आपका क्या है, एनविल जैसा, मतलब मोचे के पास जो रहता है, कौन सा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये तो मुझे घोड़े पे पैर जैसे रखने वाला दिख रहा है. तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा एनविल जैसा, ठीक है. तो इसका नाम क्या है, मिस हैज इनकस जैसा. इनकस बोन का नाम क्या है, इनकस बोन का शेप कैसा है, एनविल जैसा. और लास्टली ये आपको कैसी, ये आपको कैसा दिख रहा है, राइट, ठीक है. तो ये आपको कैसा दिख रहा है, ये आपको एक स्टिरअप जैसा दिख रहा है. तो स्टिरअप इज लाइक, स्टिरअप जो शेप है वो कौन से बोन का नाम है, स्टेप्स, करेक्ट. नाउ वी शैल प्रोसीड इन फ्रंट, आगे देखते हैं हम ईयर में. सो द वन थिंग दैट इज रिमेनिंग इज आपके मिडल ईयर में, आपके मिडल ईयर में एक इंपॉर्टेंट पार्ट है. मैं इसको रफ डायग्राम ड्रॉ करके दिखाता हूँ. ये पिना, ये ऑडिटरी केनाल, ये आपका ईयर ड्रम, ये आपका मिडल ईयर. अब आया मेलस, उसके बाद आया आपका इनकस बोन, उसके बाद आया आपका लास्ट स्टेप्स बोन. स्टेप्स बोन के बाद फाइनली ओपन हो जाता है आपका अंदर वाला पार्ट, दैट इज इंटरनल ईयर. तो ये मिडल, ये एक्सटर्नल, ये मिडल, ये इंटरनल, करेक्ट. मिडल ईयर में आपके आए तीन बोन्स. द इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ अगेन मिडल ईयर इज, ठीक है, मानकर चलो कि आपके, आप बैठे हो पढ़ रहे हो और अचानक से मम्मी काम करते करते मम्मी के हाथ से कोई भी वेसल गिर जाता है नीचे, तो होगा क्या, लॉजिकली लगाओ. जब मम्मी के हाथ से एक वेसल नीचे गिरा, तब वो गिरने की वजह से साउंड एनर्जी प्रोड्यूस हुई, दैट साउंड एनर्जी विल एंटर इनसाइड योर ईयर,
तो सबसे पहले कहाँ जाएगा सर? सबसे पहले पीना साउंड एनर्जी को कलेक्ट करेगा, वो साउंड एनर्जी जाएगा ऑडिटरी कैनाल में, ऑडिटरी कैनाल के बाद वो साउंड एनर्जी हिट किसको करेगी? टिम्पैनम या ईयर ड्रम को हिट करेगी। अब टिम्पैनम वाइब्रेट होगा तो एनर्जी किसको ट्रांसमिट होगी? मेलस इनका स्टेप्स। यहाँ तक तो आप पढ़ चुके हो मिडल ईयर। अब देखो एक्सटर्नल और मिडल दो चीज में, अब इंटरनल ईयर वेरी प्रीशियस, मैं आपको बता चुका हूँ इंपॉर्टेंट चीज़, आप घर के अंदर स्टोर रखते हो, इंटरनल ईयर ही है जो ईयरिंग और बैलेंसिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, देखेंगे उसको। तो कहीं ना कहीं जब भी कोई चीज़ आपके घर में नीचे गिरती है तो साउंड एनर्जी प्रोड्यूस करती है, एकदम लाउड साउंड एनर्जी आपके इंटरनल ईयर को डैमेज कर देगा, इसलिए नेचर ने काम किया। नेचर ने मिडल ईयर का कनेक्शन आपके एक बॉडी के पार्ट से कर दिया, वो है आपका फेरिंग्स। व्हाट इज फेरिंग्स? मैं एकदम रफ में समझाता हूँ, ये आपकी नोज, ठीक है, इसे इसको वन करो, फिर इसको टू करो, फिर इसको थ्री करो और यहाँ से फोर कर दो, ये आपका माउथ बन गया, ठीक है। सो वन टू थ्री फोर, इट इज़ वेरी सिंपल। सो ये आपका एक जनरल स्ट्रक्चर, करेक्ट। यहाँ पर आपका क्या है? ईयर। ये आपका अंदर कैनाल, ये आपका टिम्पैनम, ये मान लो मिडल ईयर और ये आपका इंटरनल ईयर स्टार्ट, जनरल स्ट्रक्चर, करेक्ट। अब एकदम लाउड साउंड एनर्जी जब एंटर करेगी, टिम्पैनम को हिट करेगी, इंटरनल ईयर डैमेज नहीं हो जाना चाहिए, इसलिए मिडल ईयर से कनेक्शन किसको लगाया है? आपके माउथ का एक पार्ट है फेरिंग्स। मतलब देखो नोज एक कॉमन पाथवे पीछे ओपन होता है, दैट इज कॉल्ड एज फेरिंग्स। माउथ भी एक कॉमन पाथवे में पीछे ओपन होता है, दैट इज कॉल्ड एज फेरिंग्स। मतलब क्या? जब भी कोई कोई आपने देखा होगा कि ठस्सा लग जाता है तो नाक से पानी माउथ से वाटर पीते हुए कहाँ से निकल जाता है? नोज़ के थ्रू। मतलब कोई ना कोई पीछे कॉमन पाथवे है जो नोज़ का भी कनेक्शन है और माउथ का भी कनेक्शन है, राइट। वहाँ पर आका आपका स्टैचियन एक ट्यूब कनेक्ट होता है जिसका नाम है आपका स्टैचियन ट्यूब। तो व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ स्टैचियन ट्यूब? स्टैचियन ट्यूब इज़ अ ट्यूब विच कनेक्ट्स द मिडल ईयर टू द फेरिंग्स, राइट। मतलब स्टैचियन ट्यूब एक प्रेशर बैलेंस करता है, मानकर चलो साउंड एनर्जी प्रोड्यूस हुई है, कहीं पर बम फटता है, ठीक है, तो जब बम फटता है जोर से तब वो साउंड एनर्जी आपके इसमें ईयर में एंटर करेगी और आप जोर से चिल्लाते हो, कहीं ना कहीं साउंड एनर्जी को बैलेंस। नाउ हमने पढ़ लिया एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर में क्या था आपका? मिडिल ईयर में थी आपकी बोन्स, एक का नाम है मेलस, दूसरे का नाम है इनकस और तीसरे का नाम है आपका स्टेप्स। तो थ्री बोन्स है, उसकी शेप कैसे याद करोगे? एक बार रिकॉल कर देता हूँ, हैमर, एनविल और स्टेपल। और एक चीज बताइए, मिडिल ईयर से लाउड साउंड एनर्जी एंटर कर रही है तो ये है आपका इंटरनल ईयर। इंटरनल ईयर डैमेज नहीं हो जाना चाहिए, इसीलिए नेचर ने क्या किया, एक ट्यूब निकाल दिया मिडिल ईयर से। तो जब भी आपको कोई जोर से धमाचा मारता है, इन दैट कंडीशन आपका ईयर ड्रम वाइब्रेट करेगा और ये तेजी से साउंड एनर्जी किसको ट्रांसमिट करेगा? मेलस, इनकस और स्टेप्स को। अब स्टेप्स फोन किसको हिट करेगा? इंटरनल ईयर को। इंटरनल ईयर डैमेज नहीं होना चाहिए, इसलिए एयर प्रेशर को बैलेंस करने के लिए, करेक्ट, एयर प्रेशर को बैलेंस करने के लिए नेचर ने एक ट्यूब निकाल दिया, दैट इज कॉल्ड एज स्टैचियन ट्यूब। वो किसको कनेक्ट करता है? स्टैचियन ट्यूब मिडिल ईयर को कनेक्ट करता है फारिंक्स को एक पार्ट से। मतलब फारिंक्स एक पार्ट है बॉडी में जो माउथ के पीछे का पार्ट फेरिंग्स में ओपन होता है, नोज का पीछे का भी पार्ट फेरिंग्स में ही ओपन होता है। तो दो तरीके के फेरिंग्स के पार्ट्स आते हैं। अगर फेरिंग्स को सब डिवाइड करूं तो नोज के पीछे का फेरिंग्स, नोज को आप नेजो बोलते हो, नेजो फेरिंग्स, करेक्ट। माउथ को आप ओरल बोलते हो या बक्कल भी बोलते हो, मैं बोलता हूँ ओरो फेरिंग्स, करेक्ट। इसलिए सो जोर से बर्तन गिरा या बम फटा है, कोई भी आवाज है तो आप जोर से चिल्लाते हो, क्या हो गया? सो कहीं ना कहीं जोर से आवाज माउथ फाड़ रहा है, तो उसका रीजन क्या है? कहीं ना कहीं साउंड एनर्जी यहां से एंटर हुई एक्सटर्नल ईयर से मिडिल ईयर में भी, मिडिल ईयर के बाद इंटरनल ईयर में जाना चाहिए था, बट लाउड साउंड एनर्जी के कारण अब वहां से साउंड का एनर्जी जो है, ठीक है, एम्पलीफाई हो चुका है, वो साउंड एनर्जी निकल जाती है कहां से? माउथ के थ्रू। इसलिए आप ईयर से आई हुई आवाज को बैलेंस कैसे करते हो? माउथ से, विद द हेल्प ऑफ ए ट्यूब कॉल्ड एज स्टैचियन ट्यूब, करेक्ट। नाउ अब हम पढ़ते हैं आगे, दैट इज इंटरनल ईयर। ये एक डिस्क्रिप्टिव नहीं, ये एक बेसिक लेक्चर है, आई रिपीट। तो मैंने ओवरव्यू समझाया है ईयर का, एज सच ईयर को बेस एकेडमी में सभी टीचर्स को एक लॉन्ग ड्यूरेशन लगता है एक एक टॉपिक को डेप्थ में समझाने के लिए, बट एट दिस इज अ बेसिक क्लास अपलोडेड ऑन यूट्यूब। सो हम ये बेसिक क्लास को एक बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिस्क्रिप्टिव वे में स्टार्ट करेंगे, राइट। सो नेक्स्ट आता है हमारा पार्ट, दैट इज इंटरनल ईयर। तो इंटरनल ईयर में आपके दो पार्ट आते हैं, एक है आपका हियरिंग और दूसरा है आपका बैलेंसिंग, करेक्ट। एक है आपका कौन सा पार्ट? हियरिंग, और दूसरा है आपका बैलेंसिंग। सो टुडे वी विल नॉट बी फोकस्ड अपॉन बैलेंसिंग,
आज हम पढ़ेंगे, सॉरी टुडे वी आर नॉट फोकस्ड ऑन हियरिंग, मतलब हियरिंग का मैकेनिज्म कैसा है ये आज हम नहीं देखेंगे, आज हम देखने वाले हैं बैलेंसिंग कैसा होता है, मतलब ईयर कैसे है हमारे बॉडी को बैलेंस करता है, करेक्ट। सो देयर आर टू इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स, ठीक है। तो देखो जैसे कि हम इंटरनल ईयर में जाते हैं तो हमको दो पार्ट दिखते हैं, एक नीचे वाला हियरिंग, एक ऊपर वाला बैलेंसिंग, ठीक है। बैलेंसिंग हमेशा ऊपर रहता है, हियरिंग नीचे रहता है। तो बैलेंस किसको बैलेंस करता है, हियरिंग ईयर के इंटरनल ईयर में, ईयर का एक पार्ट है इंटरनल ईयर, वो बैलेंस करता है बॉडी को, बैलेंसिंग में वो हेल्प करता है, करेक्ट। सो ये है आपका पूरा इंटरनल ईयर, करेक्ट। ये आपका पूरा कौन सा ईयर, इंटरनल ईयर। इंटरनल ईयर में दो पार्ट, एक कौन सा हियरिंग वाला और एक कौन सा आपका बैलेंसिंग वाला, राइट। सो नाउ फोकस अपॉन बैलेंसिंग। तो देखो आपको यहां डायग्रामेटिक व्यू में दिख रहा होगा, ये आपका, ये जो आपका पार्ट है, दिस पार्ट इज ए हियरिंग अपैरेटस, ये हियरिंग के लिए हेल्पफुल होता है, करेक्ट। दूसरी जो चीज आपको काम आती है, जो आपका है वो है पूरा, करेक्ट। ये आपका पूरा कौन सा है, ऐसे ये आपका पूरा बैलेंसिंग, ठीक है, ये आपका बैलेंसिंग अपैरेटस है, ये आपको बैलेंस करने में हेल्पफुल करता है। किसको बैलेंस करने में हेल्पफुल करता है, ये आपकी बॉडी को बैलेंस करने में हेल्प करता है। मैं बताऊंगा किस तरीके का बैलेंस मेंटेन करता है, राइट। सो बैलेंसिंग को हेल्प करता है। अब देयर आर टू इंपॉर्टेंट पार्ट्स, ठीक है। आप जस्ट फोकस करो कि यहां पर दो तरीके के बैलेंस मेंटेन होते हैं, एक है आपका लोकोमोशन होने वाला बैलेंस और एक है आपका नॉन लोकोमोटिव बैलेंस। मतलब कैसा, जब भी आप रेस्ट पे हो, रेस्ट पे हो दैट सिंपली मींस यू आर नॉट रेस्टिंग, यू आर जस्ट नॉट लोकोमोटिंग, आई मीन टू से रेस्टिंग मतलब आप सो नहीं रहे हो, यू आर जस्ट इन ए पोजीशन और आप सो नहीं रहे हो, वो है आपका नॉन लोकोमोटिव पोजीशन, करेक्ट। और दूसरा आपका कैसा, लोकोमोशन हो रहा है। तो देखो मैं इसको समराइज करता हूं, एक है आपका डायनामिक बैलेंस, डायनामिक बैलेंस, डायनामिक बैलेंस कैसा, मतलब जिसमें कंपलसरी लोकोमोशन हो रहा है, लोकोमोशन इज टेकिंग प्लेस, करेक्ट। नाउ द सेकंड इज स्टैटिक, यू हैव लर्न द वर्ड स्टैटिक, स्टैटिक मींस स्टैटिक इक्विलिब्रियम, या सिंपल लिखूं मैं, स्टैटिक का सेकंड नेम है रेस्ट, डायनामिक का सेकंड नेम है मोशन या रिलेटिव टू एक्सेलरेशन, करेक्ट। तो एक चीज में अगर मोशन हो रहा है, अगर एक्सेलरेशन हो रहा है तो मतलब उसमें लोकोमोशन है, मतलब मैं ये जगह से ये जगह पर आया मतलब मेरा लोकोमोशन हुआ है, मैं यही जगह पर खड़ा हूं मतलब मेरा लोकोमोशन नहीं है, इसका मतलब मैं रेस्ट पे हूं, इसका मतलब ये नहीं है मैं सो रहा हूं, ये आपको चीज फोकस करना है। तो रेस्ट का मतलब स्टैटिक हूं, स्टैटिक हूं का मतलब क्या, लोकोमोशन नहीं हो रहा है। तो दो तरीके के बैलेंस ईयर मेंटेन करता है, एक है डायनामिक, डायनामिक मतलब क्या, जब आप चल रहे हो तब, और एक कौन सा इक्विलिब्रियम, एक आपका बैलेंस जो है स्टैटिक मतलब रेस्ट वाला, करेक्ट। तो ये पूरे बैलेंसिंग अपैरेटस में, ठीक है, पूरे बैलेंसिंग अपैरेटस में कैसे तरीके का बैलेंस होता है, एक है डायनामिक मतलब आप जब चल रहे हो, और दूसरा कौन सा, एक स्टैटिक जब आप नहीं चल रहे हो, आपका लोकोमोशन नहीं हो रहा है, राइट। अब देखते हैं हाउ इज द टू टाइप्स ऑफ बैलेंस मेंटेन, करेक्ट। सो आपके बैलेंसिंग अपैरेटस में एक वर्ड है सेमी सर्कुलर कैनल, ठीक है, सेमी सर्कुलर कैनल। आज हम सिर्फ सेमी सर्कुलर कैनल को देखेंगे। तो सेमी सर्कुलर कैनल आता है आपका डायनामिक, आपका डायनामिक इक्विलिब्रियम में, मतलब क्या, व्हेन द लोकोमोशन इज टेकिंग प्लेस एट दैट टाइम डायनामिक इक्विलिब्रियम कम्स, करेक्ट। सो आप जब भी राइट इसको समराइज कर देते हैं थोड़ा बहुत, इसको कल अगले क्लास में डेप्थ में पढ़ेंगे। सो बेसिकली डायनामिक इक्विलिब्रियम कैसे होता है, जब भी आप मार्केट में कहीं पर जाओ, अगर आपके सामने पानी आ जाता है, आपके सामने मड आता है, कीचड़ आता है, बरसात में भी आप फिसल गए, या कहीं केले का छिलका ही आ गया, कुछ भी हो जाए, तो आपका पैर होगा स्लिप और आप एकदम से मूव डाउन करोगे, मतलब आप लोकोमोटिव कर रहे थे, आपका पैर हो गया स्लिप, आपका अनबैलेंस हो गया, तो आंखों से तो आपने देखा नहीं था नीचे मिट्टी है पानी, बट आप हो गए स्लिप। तो ये जो आपका एक्शन है ऐसा वाला, मतलब आप स्लिप हो रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये जो डायनामिक इक्विलिब्रियम मेंटेन मतलब डिस्टर्ब हो गया, इसको आपका ईयर बैलेंस करता है, करेक्ट। और दूसरा चीज अगर बोलूं तो स्टैटिक वाला कैसे, सर एग्जांपल दो, मतलब मानकर चलो आप कार में बैठे हो या ट्रेन में बैठे हो, आप आंख बंद करके आप सो रहे हो, तो आप रेस्ट पे हो, भले ही कार चल रही होगी, भले ही ट्रेन चल रही होगी, मैं कार का एग्जांपल लेता हूँ, कार में आप बैठे हो, कार चल रही है, कार चल रही है का मतलब आप डेफिनेटली चल रहे हो, बट आप जिस सीट पर बैठे हो आपका लोकोमोशन नहीं हो रहा है, कार का लोकोमोशन हो रहा है। तो अब सर इसको लोकोमोशन कंसिडर करें या नहीं करें, तो अभी आप रेस्ट पर हो तो आप सो रहे हो, करेक्ट। आप मूव डाउन किए, आगे कार आगे गई ड्यू टू इनर्शिया, आप वहीं पर रहोगे, कार आगे गई फोर्स ऑफ एक्शन पीछे लगेगा, ठीक है।
पीछे लगेगा, आप पीछे मूव करोगे तो कुछ ना कुछ आपका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ, आप सो रहे थे तब भी आपको पता चला वेयर इज द कार मूविंग, इन फ्रंट डायरेक्शन और बैक डायरेक्शन, हु इज गिविंग यू दिस स्टिमुलस कि द कार इज मूविंग इन द फ्रंट डायरेक्शन। अनदर एग्जांपल ले लो, आप कैसा ट्रेन में बैठे हो, सोते हुए हो, ट्रेन आगे जा रही है, आपको पता है हाँ ट्रेन चालू हो चुकी है, आपने आई से तो देखा नहीं था इंजन के सामने ट्रेन चल रही है क्या भैया, आपने तो नहीं देखा, बट ट्रेन इज रनिंग, हाउ डू यू नो, आईज आर नॉट फंक्शनिंग, आईज में तो नहीं देखा, इट इज ईयर विच इज हेल्पिंग यू टू नो व्हाट इज द लोकोमोशन चेंज। आप बैठे हो तब भी वो चेक करता है, आप चल रहे हो तब भी वो चेक करेगा। सो दिस आर द टू टाइप ऑफ बैलेंस इन द इंटरनल ईयर विच यू विल स्टडी इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच।